कि जब भी आपको झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए, और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं बिना झटपट बिहार को समझे हुए। नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है, मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। कल बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, बहाली को लेकर एक बड़ा दिन था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। गांधी मैदान में भी भव्य कार्यक्रम हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया, अब उसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है तेजस्वी यादव के उस बयान पे, जहां उन्होंने कहा था कि चटपट झट की सरकार है और यहां पे सारे काम ऐसे ही होते हैं। अब उनके इस बयान पर जो है तीखा हमला होने लगा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि झटपट चट की सरकार है, तो इस सरकार में क्या काम हो रहा है तेजस्वी यादव ये तो बताएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अनुभवी लोग हैं उनसे जाके पूछिए कि इस तरह के जो काम होते हैं उसका हश्र क्या होता है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जीवन में जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, आपको बताएंगे कि जब भी आपको झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया। आज आप भी 1 साल से उप मुख्यमंत्री हैं, आप ही डिफेक्टो सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो मुखौटा है, तो आप झटपट यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को कब सुधारिएगा। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ आप पथ निर्माण मंत्री हैं, तो झटपट यहाँ के रोड कब बनाए जाएंगे। यहाँ के आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, तो बिहारों में, बिहार के गांवों की जो बदहाली है, नलियों गलियों की जो दुर्दशा है, उसको झटपट कब सुधारा जाएगा। अगर वो बता दें तो मेरा बहुत उनको शुक्रिया बिहार की जनता की ओर से। झटपट ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिए कि सर कब यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा नसीब होगी, कब यहाँ के सड़कों की दशा सुधरेगी, कब बिहार में गांव की जो दुर्दशा है, नालियों की गलियों की, इसको सुधारा जाएगा। टीम जो आपके विभाग चला रहे वही बता दो, बाकी का बात बाद में करना। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे थे। प्रशांत किशोर ने कई सवाल खड़े किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग है, तो तेजस्वी यादव बताए कि स्वास्थ्य महकमे में चटपट झट क्या हो रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग उनके पास है, तो वो बताएं कि गांव में क्या हो रहा है, नाली बन रही है नहीं बन रही है, ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो जिस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। जाहिर सी बात है कि देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे हमलावर है। अब उन्हें एक और मौका मिला है तेजस्वी यादव के चटपट झट सरकार पे हमला करने का। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने यह हमला किया है, अब इस पर राजनीति आगे भी होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।